नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं पूछे अपना सवाल में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ब्रिजेश जी से, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, हेलो ब्रिजेश जी, बात कर रहे हैं? जी, मैं ब्रिजेश जी बात कर। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी सर, आपका सवाल आया था। जी, मेरा सवाल था जो सरसों में जैसे गलका रोग लग गया है जी, पत्ता और पौधा जैसे आधे जोर से गिर रहा है। देखिए, जो आपका सरसों का पत्ता पीला पड़ के गिर रहा है जी, तो एक मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, उसके बाद आपको दवाई बता रहा हूँ। क्या उस पत्ते के ऊपर माहू तो नहीं लगा है? हल्का सा हरे रंग का छोटा सा कीड़ा तो नहीं लगा है? नहीं, वो कीड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, पौधा सही है और पत्ता भी पर से वो पौधा गिर जाता है, लगता है जैसे कि पूरा पाला उला नहीं पड़ गया, भुआ जाता है, फुफुंदी जैसा हो जाता है और गिर जाता है पौधा। हाँ, तो देखिए फिर ऐसा करें, आप एक दवा मैं बता रहा हूँ आपको, आप ब्लाइटॉक्स एक दवा बता रहा हूँ, इस ब्लाइटॉक्स का आप 2.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव करें। यानी अगर 1 हेक्टर में अगर आपको छिड़काव करना है तो 2.5 लीटर को 600 से लेकर के 800 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव कर दें। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल हमसे पूछने के लिए। सर, सरसों में जो है वो कौन कौन से रोग और कीट लगने की संभावना? देखिए, ये फंगस की भी बीमारियां लगती हैं और सरसों का जो मुख्य कीड़ा है जो इस समय जैसा मौसम चल रहा है, बादल होना और ये सब, इसमें लगता है एफिस, जिसको कहते हैं माहू जी। और ये बहुत छोटा सा कीड़ा होता है हरे रंग का जी। और ये पत्तियों का जैसे ही रस चूसना शुरू कर देता है तो पत्तियां पीली पड़ कर गिरना शुरू हो जाती हैं जी। और ये पत्तियों को एक रस नहीं चूसता है, जैसे ही आपका फली निकलना शुरू होगी और उसमें सीड फॉर्मेशन शुरू होता है, वैसे इसका रस चूस करके और यहाँ तक हो जाता है कि इस फली में दाना ही नहीं पड़ता जी। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, प्रवीण जी से, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, प्रवीण जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी मैम। सर, आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं अभी ये पूछ रहा था, अगर लौकी किस महीने में उगानी चाहिए और कब बेहतर रहती है, मतलब जब जी रिजल्ट कब अच्छा रहता है? देखिए, लौकी उगाने के साल भर में 2 मौसम हैं। हाँ जी सर। एक तो खरीफ में जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में। हाँ जी। और दूसरा है जायद में, फरवरी मार्च में। अच्छा सर। अब इसके लिए आपको उगाने के लिए वैराइटीज जो हैं उसमें पूसा संतुष्टि, पूसा समृद्धि, पूसा संदेश, पूसा नवीन, ये वैराइटी हैं। और एक हाइब्रिड वैराइटी है जो निकाली गई है, पूसा ने निकाली है पूसा हाइब्रिड, ये आपका 425 क्विंटल पर हेक्टर तक उपज देती है। सर, हमारी साइड ना पानी खराब है, मतलब पानी खारापन सा है पानी में। देखिए, पानी में अगर खारापन है जी, तो आप विशेष ध्यान ये रख रहे हैं कि पहले तो उस पानी की आप जांच करा लें। अच्छा सर। हाँ, और जांच कराने के बाद अगर उसका पीएच, वो बताएंगे आपको जी, पीएच अगर 7.5 तक है जी, तब तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, और अगर 7.5 से ऊपर है तो आपको करना ये पड़ेगा कि जैसे आपने लौकी लगाई है और आप पानी लगाने जा रहे हैं जी, तो आप चूने का इस्तेमाल थोड़ा सा करेंगे जी, लाइम चूना जिसे कहते हैं जी, ये डस्ट वाला चूना ले लेंगे आप जी, और उसको पहले खेत में आप लगाएंगे जी, और लगाने के बाद तब जो है वो
आपको फायदेमंद होगा। मैं क्वांटिटी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो जो पीएच होगी उसी के हिसाब से उसका जो है निर्धारण वो करके देंगे कि इतना चूना डालना है। अच्छा, तो बीज लगाते हैं ना, तो कितनी कितनी दूरी पे लगाने चाहिए हमको बीज? हाँ देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने कर लिया है। लाइन से लाइन की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर। 6 से 8 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। बीज को आप थीरम कैप्टान से उपचारित करें, उपचारित करने के बाद बोएं ताकि इसमें जो रोग लगता है पाउडरी मिल्डू डाउनी मिल्डू ये ना लगे। अगर रोग लग जाता है तो एक दवा आती है कैरोथेन, उसका जो है 0.1% का, यानी 10 आप 1 ग्राम को लेकर के आप 1 लीटर पानी में घोल देंगे, ठीक है, और उसका छिड़काव करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल पूछने के लिए। जी सर, जैसे कि आजकल जो है वो मृदा परीक्षण पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो क्या जितनी ज़रूरत है मृदा परीक्षण की, क्या उतना पानी की भी टेस्टिंग करवाना चाहिए? देखिए, पानी का टेस्टिंग तभी कराना चाहिए जब हमको इस बात की शंका है कि हमारा पानी खारी तो नहीं है। जी, यानी पीने से टेस्ट में हल्का सा नमकीन अगर लगता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा, उससे होगा क्या कि आगे चल करके फसल तो हमारी नष्ट होगी होगी और हमारी मृदा भी जो है ऊसर हो जाएगी, क्षारी हो जाएगी। जी, तो इससे अच्छा है कि अगर हमारा पानी जो है वो क्षारी है और हमारे पास दूसरा और साधन नहीं है पानी का, देना पानी हमको वही है, तो क्यों ना हम उसको न्यूट्रलाइज कर लें। चूना जो है वो हम जब डाल देते हैं तो ये क्षारी मिट्टी को अम्लीय मिट्टी में बदल देता है, यानी उसका पीएच को गिरा देता है, तो इस तरीके से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जी, तो दोस्तों अगर आपको डाउट है अपने पानी पे तो ज़रूर टेस्ट करवाइए उसे, और ना ज़्यादा एसिड होना चाहिए और ना ही बेस होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रीन टीवी। अभी हमने वो लहसुन लगा हुआ है जी, उसको अभी 1.5 महीना हो गया है जी, और 1.5 महीना होने के बाद में थोड़ा सा उसमें पीली पत्ती दिख रही है जी। देखिए, आपका जो पत्ती पीली हो रही है, हाँ, तो उसका ऊपर का जो सिरा है नुकीला सिरा है वही सिर्फ पीला पड़ रहा है या पूरी पत्ती पीली पड़ रही है? नहीं, नीचे वाली पत्ती। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में। दोस्तों इस कार्यक्रम में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सुनील जी से, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, हेलो सुनील जी, बात कर रहे हैं? हाँ मैडम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ थैंक यू मैडम। जी सर, आपका सवाल आया था। हाँ हाँ सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। अभी हमने वो लहसुन लगा हुआ है जी, उसको अभी 1.5 महीना हो गया है जी, और 1.5 महीना होने के बाद में थोड़ा सा उसमें पीली पत्ती दिख रही है जी, थोड़ा सा उसके लिए जनरल माहिती नहीं थी इसलिए आपको कॉल किए थे जी, और उसमें अच्छे से अच्छा होने के हिसाब से थोड़ा सा माहिती होना था जी। देखिए, आपका जो पत्ती पीली हो रही है, हाँ, तो उसका ऊपर का जो सिरा है नुकीला सिरा है वही सिर्फ पीला पड़ रहा है या पूरी पत्ती पीली पड़ रही है? नहीं, नीचे वाली पत्ती, मतलब पूरी पत्ती पीली है आपकी? हाँ, नीचे वाली पत्ती पीली होती है। देखिए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए आप, नीले नीचे से पत्ती नहीं, मतलब जो पत्ती निकलती है तो आप देखिए बीच में चौड़ी होती है, ऊपर जाकर के पतली हो जाती है। हाँ हाँ, तो पहले ऊपर पतली जो ऊपर हिस्सा है, क्या पहले वहां से पीलापन शुरू होता है? नीचे से होता है। नीचे से होता है, हाँ। तो आप देख ऐसा करें कि ये भी जरा सा देखें कि इस पे कहीं सफेद सफेद फफूंदी तो नहीं दिखाई देती है। अच्छा, अगर फफूंदी दिखाई देती है, हाँ, तो समझ लीजिए कि ये फफूंदी जनित रोग है। अच्छा, और अगर नहीं है तो दोनों चीजों को मैं जो बता रहा हूँ दोनों आपकी शंका दूर हो जाएंगी। आप ऐसा करिए कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 मिलीलीटर 1 लीटर में घोल लीजिए। अच्छा, और 10 ग्राम उसमें यूरिया डाल दीजिए। अच्छा, उसी में 1 लीटर में, हाँ, और उसका छिड़काव करिए। अच्छा जी सर, कोई और सवाल? ठीक है मैडम। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल हमसे पूछने के लिए। थैंक यू मैडम। जी
तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, स्वप्नील जी से, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, स्वप्नील जी बात कर रहे हैं? हाँ। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ मैम। सर आपका सवाल आया था। हाँ मैम। सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। महाराष्ट्र में वो चूजे कहाँ से मिलेंगे जी, और चूजे लाने के बाद उन्हें जो दवा या लस दी जाती है वो किस प्रकार और किस समय दी जानी चाहिए जी। हाँ देखिए, आप चूजे बटेर के चूजे पालना चाहते हैं या मुर्गी के चूजे पालना चाहते हैं, किसके पालना चाहते हैं? सर मैं मुर्गी के चूजे और बटर के चूजे दोनों पालना चाहता हूँ। अच्छा देखिए, ऐसा है महाराष्ट्र में आप ये पता लगा लीजिए कि पशु संस्थान कहाँ पर है। अच्छा। हाँ, और ये जो है जिसको कहते हैं IVRI, हाँ, उसमें IVRI में पशु के साथ साथ पक्षी का भी होता है। अच्छा। हाँ, जैसे हमारे IVRI बरेली है, उसमें आपका ये बटेर, मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस सबका उनका यहाँ रिसर्च होती है। तो इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी आप IVRI से संपर्क करें। अच्छा। अब ये जो है अगर आपको बटेर पालना है या वो पालना है, तो इसमें देखिए बटेर में बीमारियाँ बहुत कम लगती हैं, लेकिन मुर्गी में बीमारी एक ऐसी बीमारी लगती है जो रातों रात में मुर्गियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए आपको जैसे ही चूजा आप थोड़ा सा बड़ा होता है, 10-12 दिन का हो जाता है, तो उसका टीकाकरण करा देना चाहिए, टीका लगवा देना चाहिए। अब बात सर, वो टीका कौन सा लगवाए? टीका इसका आता है रानीखेत टीका कहते हैं इसको, ये बीमारी का नाम ही है रानीखेत। रानीखेत, अच्छा। हाँ, तो इसका टीका लगता है जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर से और देंगे उनके सवालों के जवाब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जैसे मैडम मैंने 1 एकड़ में लहसुन लगाई और पीली पड़ रही जी, और हाइट नहीं ले रही जी। देखिए लहसुन जो आपने लगाया है, हाँ, तो वो उसकी पत्ती पीली पड़ रही है। हाँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में। दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, देवेंद्र जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, देवेंद्र जी बात कर रहे हैं? हाँ। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ। सर आपका सवाल आया था। हाँ। सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। जैसे मैडम मैंने 1 एकड़ में लहसुन लगाई और पीली पड़ रही है जी, और हाइट नहीं ले रही जी। देखिए लहसुन जो आपने लगाया है, हाँ, तो वो उसकी पत्ती पीली पड़ रही है। हाँ। तो आप हमें ये बताएं कि जो पत्ती पीली पड़ती है, उससे पहले इस पे कहीं सफेद सफेद कुछ दिखाई देता है, पाउडर जैसा हल्का सा सफेदी पत्ती पे आती है? हाँ। आती है। तो आप, हाँ, तो आप ऐसा करें, कापर ऑक्सीक्लोराइड या डाइथेनियम 45, इन दोनों दवाओं में से एक दवाई, हाँ, आप लेकर के 2.5 मिलीलीटर 1 लीटर में, पूरा आपका एक एकड़ है तो एकड़ के हिसाब से, और हेक्टर है तो हेक्टर के हिसाब से, उसी हिसाब से दवा बढ़ा लें। यानी आप 2.5 लीटर को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके डालेंगे तो 1 हेक्टर के लिए पूरा हो जाएगा। हाँ। जी सर कोई और सवाल? नहीं जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए। सर ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो समय अभी है उसमें ज़्यादातर रोग और कीट जो है वो फसलों को लगती हैं, तो क्या किसान जो है इस साल तो नहीं बचा पाए, अगले साल के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ पहले ही कर ले जो वो अपने फसलों को बचा सके? देखिए फसलों को बचाने के लिए, रोग से बचाने के लिए ही रोग उपचार कराया जाता है जी, लेकिन फिर भी कभी कभी मौसम इतना ज़्यादा वैसा हो जाता है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। घर में भी आपने देखा होगा हम अचार रखते हैं और अगर बादल हो जाते हैं और नमी होती ज़्यादा तो उसमें फफूंदी आ जाती है। तो कहने का हमारा जो तात्पर्य ये है कि फंगस जो डेवलप होती है, फंगस डिजीज जो डेवलप होती हैं,
वो होती हैं लो टेम्परेचर और हैवी मॉइस्चर, तो उसकी वजह से इस पीरियड में जो है फफूंदी वाले रोग ज़्यादा, और फफूंदी का रोग जब लगता है तो पौधे को धीरे 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 वो सुखाना शुरू कर देते हैं, यानी कि कुछ पहले नहीं कर सकते हैं जिससे कि वो रोग और कीट से बचा सकते। बीज उपचार हम करेंगे ही जी, तो बीज उपचार करके अगर हमने कर लिया है तो संभवतः मैं समझता हूँ कि 70% तक रोग नहीं लगना चाहिए जी। यानी कि सर जैसे इंसान जो है वो टीके लगवाते हैं लेकिन फिर भी जो है वो बीमार पड़ते ही हैं, वैसे ही फसलों के साथ भी है, अगर वो कितने भी देख रेख करें रोग कीट थोड़ा बहुत लगेगा ही। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है कि परिस्थिति जो है हमारी जो जलवायु का हिसाब है उसके हिसाब से जब प्रतिकूल हो जाएगी जी। तो स्वाभाविक है कि उसमें बीमारियां लगना स्वाभाविक जी। और सर क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज होती रहती है जी। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, किरण जी से, जो कि पुणे में रहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, किरण जी बात कर रहे हैं? हाँ। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। बोले सर, आपका सवाल आया था, आप पॉपुलर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। पेड़ किधर मिलेंगे पॉपुलर के? जी देखिए पूना में आप, पूना में हाँ, डीएफओ के ऑफिस में संपर्क करें आप। डीएफओ का मतलब हो गया जिला वन अधिकारी। हाँ हाँ। और ये जिला वन अधिकारी जो है ये आपकी नर्सरी पॉपुलर की, इकुलिप्टस की और पेड़ों की जो है ये नर्सरी डलवाते हैं। कहीं कहीं तो तहसील स्तर पर भी इसकी नर्सरियाँ तैयार की जाती हैं। तो आपको जो आपके सबसे नियरेस्ट होगी वो आपको डीएफओ ऑफिस से पता चल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं जी। सर कोई और सवाल? नहीं जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे सभी कॉलर्स को, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारी हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की, तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल हमसे पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।